नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर, जहां मिलती है अपडेट सबसे पहले। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का शेड्यूल आ भी चुका है और उसके एग्जाम सिटी की इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो आखिर कैसे आप अपना एग्जाम सिटी देखेंगे, कैसे आप अपनी एग्जाम सिटी की जानकारी प्राप्त करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और साथ ही साथ कई कैंडिडेट्स की ये भी परेशानी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, तो वो कैसे अपना एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन चेक करें, हम ये भी परेशानी आपके लिए इस वीडियो में दूर करेंगे, ताकि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो बस 2 मिनट में आप इस माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पा सकते हैं। तो इन सभी चीज के लिए आपको आ जाना होगा सबसे पहले सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर। यहाँ आने के बाद आपको आना है एडमिट कार्ड के सेक्शन में। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेलवे RRC ग्रुप डी फेज 1 एग्जाम सिटी डेट 2022 हुआ जारी। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको रेलवे ग्रुप डी फेज 1 एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी इसके आ जाइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला आपको लिंक दिख रहा होगा डाउनलोड एग्जाम सिटी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, इसके ठीक सामने लिंक है क्लिक हियर। इस क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप अपना पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करिए और लॉगिन करिए। इस लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन होंगे, आपका एग्जाम डेट इंफॉर्मेशन सिटी की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे होगी। अब चलते हैं उस बारे में कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा पा सकते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा पाने के लिए आपको इसी पेज के इंपॉर्टेंट लिस्ट सेक्शन में आपको दिखेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का एक लिंक। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर पहले रेलवे का जून यानी कि आपने किस जून से मुंबई से किया था हाजीपुर भुवनेश्वर यानी कि सेंट्रल रेलवे, इस सेंट्रल रेलवे, इस कोस्ट रेलवे या इसी तरह की जिसी भी जोन से आपने आवेदन किया था, उस जोन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट का चेक करते हैं, इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से आवेदन किया था गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर से उन्होंने आवेदन किया था तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वो भूल चुके हैं। तो वो कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, यानी कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जी हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिल करते समय डाला था। जी हाँ, जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म में डाला था वही मोबाइल नंबर डालिएगा, कोई अदर नंबर डालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपके सामने एक सिक्योरिटी कोड होगा, उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे आपको जो लिखा होगा उसे यहाँ इंटर करना है। हूबहू लिखिएगा, अगर गलत होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे ये डिटेल नहीं खुल रही है। यानी कि अगर आप यहाँ इसमें कोई भी डिटेल गलत करेंगे तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं खुलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और जोन आपको बिल्कुल सही चूज करना है, तभी आपका यहाँ पे डिटेल खुलेगा। ठीक है, तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल ही सही डालिएगा ताकि आपको आपकी डिटेल दिख सके। इसमें अभी भी कोई दिक्कत है, लगता है उनकी डिटेल उन्होंने मुझे सही नहीं भेजी है जिसकी वजह से ये डिटेल ओपन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप डिटेल इसमें पा जाएंगे, डिटेल करने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहीं पे डालना है। यहाँ डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यानी कि लॉग इन पे क्लिक करेंगे, आप के सामने आपका एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन होगा।
अगर आपका फेज वन में एग्जाम सीटिंग नहीं होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट्स यू आर नॉट शेड्यूल इन दिस फेज। एग्जाम कंडक्ट नहीं है, यानी कि आप अगले फेज में आएंगे, तो अभी वेट करिए और अपनी तैयारी को और भी सुनिश्चित करिए ताकि जब अगले फेज में आपका नाम आए, आपका एग्जाम शेड्यूल आए, तो आप उस एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकें। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बता दीजिएगा ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हैं तो निकाल लें, और अगर उन्होंने अपना एग्जाम शेड्यूल नहीं चेक किया है तो वो चेक कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही, फिर मिलेंगे सरकारी एग्जाम.com पर और सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर किसी नई अपडेट के साथ। हमने इस पेज की URL अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहाँ से इस पेज पर डायरेक्टली विजिट करके भी अपना लॉगिन से अपना एग्जाम सीट इन्फॉर्मेशन और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।